हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और आज मैं आपको बता रही हूँ तंदूरी गोभी किस तरह से बनाते हैं। तो मेरे स्टाइल की ये तंदूरी गोभी है और आप घर पे ट्राई कीजिए। इस तरह से तंदूरी गोभी बनाने को बहुत टेस्टी लगती है गाइस। वो थोड़ी थोड़ी जल जाती है ना, तो वो तंदूरी फ्लेवर छोड़ती है और ये बहुत बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए देखते हैं तंदूरी गोभी कैसे बनती है। मेरी चाय बनके रेडी है और आज मैं बनाऊंगी फ्लावर की सब्जी। आज फ्लावर की सब्जी थोड़ा अलग स्टाइल में बनाऊंगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मुझे फ्लावर काटना है फ्लावर को, और पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो चलिए गाइस, हम सब मिलके चाय पी लेते हैं। ये फ्लावर को काट के मैंने अच्छे से धो लिया है और उसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्ची निकाल ली है और एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने को रख दिया है। अब मैं ये फ्लावर को पहले फ्राई करूँगी, उसको थोड़ा सा रेडिश ब्राउन फ्राई करना है फ्लावर को। तरह से फूलगोभी को अच्छे से फ्राई करना है। अब इसको मैं और थोड़ा और फ्राई करूंगी, तो ताकि उसका वो तंदूरी वाला ये आना चाहिए फ्लेवर, तो उस तरह से वो दिखेगा रेड रेड। गाइस, आप इसको ओवन में भी ओटीजी में भी उसको ये कर सकते हो और उसके बाद उसकी सब्जी बना सकते हो। तो गाइस देखिए, इस तरह से गोभी मेरी लाल लाल हो रही है, फ्राई हो रही है अच्छे से। थोड़ा सा और फ्राई करूंगी इसको मैं, और उसके बाद इसमें सारे मसाले डालूंगी। मैंने इसमें गाइस आलू टमाटर कुछ भी नहीं लिया है। तो ये गाइस अभी थोड़ा सा तंदूरी टाइप गोभी रेडी हो गई है। इसमें अब हम मसाले डालेंगे। मसाले में मैं डालूंगी मालवनी मसाला और ये संडे स्पेशल मसाला है मेरा, वो मैं डालूंगी उसमें। तो गाइस, मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और नमक के बिना तो कोई चीज का स्वाद ही नहीं। तो चलिए अब मसाले डालते हैं। थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम फ्लेवर के लिए, थोड़ी सी हल्दी और ये है मालवनी मसाला, ये है मालवनी मसाला थोड़ा डालेंगे, और ये है संडे स्पेशल मसाला, इसको भी थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है हमें, और इस तरह से हमारी सब्जी गाइस, तो इस तरह से हमारी सब्जी बनके रेडी है। ये है तंदूरी गोभी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, देखना। इसके साथ ना मैं परोठे बनाऊंगी। अभी आटा मैंने सान लिया है और परोठे बनेंगे अभी। इसको हम थोड़ा सा हरा धनिया और एक हरी मिर्ची जो खाते वक्त हमें लगने वाली है, इसलिए गाइस मुझे हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है खाना खाते वक्त खाने को, तो एक हरी मिर्ची उसमें डाल दी ताकि वो नरम हो जाए। और अब इसमें मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करती हूँ। तो गाइस, ये तंदूरी गोभी बनके रेडी है। तो चलिए अब परोठे बनाते हैं। तो मेरा टिफिन रेडी है और ये मैंने डब्बे में डाल ली है सब्जी। गाइस, इसका स्मेल इतना अच्छा आ रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। आप घर पे बना के जरूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी थी। गाइस, परोठे बनाने के लिए हमने थोड़ा सा घी इसके ऊपर लगाना है। और आटा स्प्रिंकल करना है। और फिर हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और अब इसका हम परोठा बेलेंगे।
ताकि ये सारे पर्ल ना अच्छे से ओपन हो जाए। तो गाइस परोठे बनके रेडी हैं और देखिए इसके पर्ल कितने सुंदर तरीके से खुल गए हैं, है ना। वो इसका वो बीच में घी और आटा लगाया था ना, उसकी वजह से ऐसे पर्ल पूरे खुल जाते हैं। तो गाइस मेरा टिफिन रेडी है और अब मैं निकलूंगी पार्लर के लिए। आप जानते हो मेरा ब्यूटी पार्लर है, जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा ब्यूटी पार्लर है। और अब मैं निकलूंगी, ये मैंने टिफिन के लिए खाना बना लिया है, तंदूरी गोभी और परोठे। तो गाइस देखा आपने तंदूरी गोभी कितनी मस्त बनी है, यम्मी लग रही है कि नहीं देखने से ही। तो आप ट्राई कीजिए, मैंने अपना टिफिन भर लिया है और अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये तंदूरी गोभी का स्टाइल अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो नए आए हैं मेरे चैनल को, उनको वेलकम, बहुत बड़ा वेलकम। और बस इसी तरह से जुड़ते रहिए और मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।